असम विधानसभा के इस ऐतिहासिक लोकार्पण समारोह में इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, इस विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विश्वजीत देमरे जी, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में आयुष जलपोत विभाग के केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनवाल जी, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री देवव्रत शेखिया जी, असम की सरकार के मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, राज्यसभा लोकसभा के माननीय सदस्यगण, जिन्होंने इस विधानसभा के अंदर लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी, राज्य के विकास के लिए योगदान दिया, ऐसे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पंचायत राज और स्वायत्तशाही संस्थाओं के सभी जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण, भाइयों और बहनों, मैं असम की सांस्कृतिक आध्यात्मिक शौर्य वीरता और शक्ति की धरती को नमन करता हूं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज के इस ऐतिहासिक दिन का मैं भी साक्षी बन रहा हूं। ये दिन केवल असम के लिए नहीं, इस नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं इस विधानसभा के भवन को जनता को समर्पित करने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। असम की विधानसभा का बहुत बड़ा ऐतिहासिक योगदान रहा है। 1937 के अंदर आजादी के पहले शिलांग के अंदर इस विधानसभा की पहली बैठक संपन्न हुई थी और आजादी के बाद कई अवसर आए जिनमें अलग अलग विधायी कार्यों के माध्यम से आजादी के पहले, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, कई विधान पारित हुए, सबको न्याय मिले उसके लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का विधान पारित हुआ और समय समय पर विधायी संरचना का परिवर्तन होते हुए शिलांग से दिसुपुर होते हुए ये गुवाहाटी विधानसभा की यात्रा हम सबके लिए और लोकतांत्रिक इतिहास के लिए स्मरणीय रहेगी। मैं आज ये कह सकता हूं कि असम विधानसभा का लोकतंत्र का इतिहास बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहां पर इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोई जी का, भूपेन हजारी जी का, विष्णु प्रसाद जी का, लक्षधर जी का और कई स्वतंत्रता सेनानी और राजनेताओं का बहुत बड़ा योगदान इस राज्य के विकास के लिए रहा है। आज हम सब
इस स्वर्णिम दिन में उन सबको याद करते हैं जिनके कारण आज असम नई प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उनके इन्हीं कार्यों के कारण और विधानसभा में उनके योगदान के कारण आज असम देश के अंदर एक गौरवशाली परंपरा को लेकर चल रहा है। मैं विशेष रूप से इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा जी को और विधानसभा के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, जिनके सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन के कारण ये विधानसभा का भवन बहुत लंबे समय चलने के बाद, लेकिन जब निर्णय किया, जब फैसला किया, तो बहुत कम समय में इसका निर्माण भी हुआ और इसीलिए इसके निर्माण की एक लंबी चर्चा माननीय अध्यक्ष जी ने की है। साथियों, ये नवनिर्मित भवन जहां आधुनिकता को लिए हुए है, वहां पर इसमें विरासत का भी अद्भुत संगम है। यहां पर हम देख रहे हैं असम के अंदर असमिया संस्कृति, यहां की कला, यहां की जनजाति क्षेत्र के लोगों का कला, ये सब इस विधानसभा भवन में दिख रही है और इसीलिए इस विधानसभा भवन का एक अपना ही लोकतांत्रिक इतिहास बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं असम के विकास के लिए आप सब लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में ये असम इस देश के विकास की एक नई गाथा लिखेगा और उस गाथा लिखने में आप सभी का योगदान होगा। इसलिए आपके लिए विशेष स्मरणीय है कि आप नए भवन में बैठकर इस प्रदेश की जनता के लिए एक नए विधान बनाकर उनकी जिंदगियों को बेहतर करने का काम करेंगे। साथियों, किसी भी विधानसभा का भवन केवल भवन नहीं होता, यह हमारे लोकतंत्र के लिए मंदिर है और इस मंदिर में हम बैठकर केवल जनता के कल्याण के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन परिवर्तन के लिए काम करते हैं और इसीलिए हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर देश के अंदर सामाजिक आर्थिक विकास कर आज देश को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, तो लोकतंत्र के कारण ही किया है। इस असम के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कितने विधान विधायी कार्य हुए जिसके कारण असम की जनता को संवैधानिक अधिकार मिला, न्याय मिला और उनके जीवन के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए ये विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर साक्षी रहा है और इसीलिए परिवर्तन समय का युग का महत्व रखता है और जब जब भी नए परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं तो हमें उस परिवर्तन से नया उत्साह आता है और मुझे खुशी है कि जिस आकांक्षाओं के साथ, जिस सपनों के साथ, जिस विचारों के साथ, जिस लक्ष्यों के साथ ये राज्य की विधानसभा काम कर रही है, आने वाले समय में आपका नया दृष्टिकोण नए लक्ष्यों को पूरा करने में कामयाब होगा और इसीलिए हम जब इस विधानसभा के भवन में बैठे हैं तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो सपने हमने देखे हैं, जो जनता की आकांक्षा अपेक्षा हमने देखी है, जो लक्ष्य हमने तय किए हैं, इस विधानसभा के अंदर बैठकर ही उन लक्ष्यों को हम दल से ऊपर उठकर काम करके पूरा करने का काम करें और इसीलिए आज हमें नए रास्तों पर चलकर नए कीर्तिमान बनाने होंगे, नए संकल्पों को पूरा करना होगा, नए विश्वास के साथ सबको साथ लेकर सबके सहयोग से इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। राज्य की विधानसभाएं विधायी कार्य के लिए तो है सही, लेकिन राज्य की विधानसभा जनता के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए भी एक महत्वपूर्ण
और हम सब के लिए तो निश्चित रूप से एक पवित्र स्थल होता है। और इसीलिए मैंने देखा है कि यह नया भवन जो आधुनिक लिए हुए भी और नई तकनीकी नई टेक्नोलॉजी को लेकर भी हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हम नए लक्ष्य बना रहे हैं, नए विचार कर रहे हैं, नया दृष्टिकोण बना रहे हैं, तो मैं उसी तरीके से संसाधनों की आवश्यकता भी होती है। और इस बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हमने लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस भवन को बनाया है। भवन किसी व्यक्ति की आकांक्षा के लिए नहीं है, भवन है असम की सामूहिक जनता के सपनों को पूरा करने के लिए। और इसीलिए यह नया सदन अधिक क्षमता के साथ, अधिक उत्पादकता के साथ, अधिक रचनात्मक होकर काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, भारत का लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है, भारत का लोकतंत्र प्राचीनतम लोकतंत्र है। जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमें लगता है कि कितने वर्षों पहले वेद से लेकर और कितने ही कार्यकाल रहे हैं, हर कार्य के अंदर हमारे जीवन की शैली के अंदर लोकतंत्र रहा है, हमारी परंपरा में लोकतंत्र रहा है, हमारे निर्णयों में लोकतंत्र रहा है। और इसीलिए आज भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा भी है, सबसे मजबूत भी है, निर्णायकदार भी है, और हमने लोकतंत्र की शक्ति और ताकत को दुनिया को बताने का काम किया। आज भारत का लोकतंत्र है जो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इतना विशाल देश। और इस विशाल देश के अंदर हमारी चुनाव प्रबंध प्रणाली हो, समाज के दूर दराज के गांवों के अंदर बैठकर भी व्यक्ति मतदान कर देश और राज्य की सरकार को चुनने का काम करते, एक निष्पक्ष निर्वाध चुनाव प्रणाली। जब मैं कई दुनिया के देशों में जाता हूं तो जब मैं बताता हूं कि हमारा 140 करोड़ का देश है, जहां पर हमने चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर संस्था के अंदर चुने हुए प्रतिनिधियों में एक निष्पक्ष मतदान द्वारा जनपति चुने जाते हैं, और जिस तरीके से चुने जनप्रतिनिधि या सत्ता का सहज हस्तांतरण होता है, दुनिया उसको देखती है। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जो लोकतंत्र के बारे में अपने आप को कहते हैं, वो भारत की ओर इसलिए देखते हैं कि हमारी लोकतंत्र की ताकत इतनी है कि जिसको भी सत्ता देते हैं उस सत्ता का सहज हस्तांतरण और जनता का जनादेश मानना, ये हमारे जीवन का अंग रहा है। और इसीलिए आज हम कह सकते हैं कि डेमोग्रेसी के अंदर भी और डेमोग्राफी के अंदर भी भारत बड़ा है, और आने वाले समय में विश्व के बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश नहीं पूरे विश्व की इकोनॉमी में भारत तीसरे नंबर पर अपना स्थान रहेगा, यह अपने आप में गर्व की बात। मैं देख रहा हूं कि इसी तरीके का कुशल नेतृत्व राज्यों के अंदर भी पनप रहा है, और उन्हीं कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि के कारण, नए दृष्टिकोण के कारण, नए विचार के कारण, नए संकल्प शक्ति के कारण, आज ये असम जो पूर्वोत्तर राज्यों का गेटवे है, आज विकास की ओर बढ़ रहा है। कोई क्षेत्र नहीं, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे समाज के जनजाति क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करने का काम हो, ये सरकार सबको साथ लेकर सामूहिकता के साथ लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठकर लोगों के विधायी कानून बनाने का काम करती। अभी मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कितने कानून 1937 से लेकर अभी तक इस विधानसभा ने बनाए, कितना दूरदर्शी नेतृत्व उस समय होगा, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री गोपीनाथ जी रहे हो, यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जिनका बहुत बड़ा योगदान देश में रहा, जिनका असम का नाम देश और दुनिया में जिन्होंने किया, भूपेन हजारिका का हो, विष्णु प्रसाद जी का हो, इन सब का योगदान रहा, और सबके सामूहिक योगदान के कारण ही
सबके सहयोग से, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। हर विधायक पर चर्चा हो, संवाद हो, सहमति असहमति हो, लेकिन हर सरकार की कोशिश रहती है कानून बनाते समय कि हम कानून के बनाते समय लोगों को अधिकार दें, सरकार में पारदर्शिता लाएं, सरकार में जवाबदेही लाएं। और यही एक विशेषता है कि 1937 आजादी के पहले भी जो दूरदृष्टि थी और आजादी के बाद जो दूरदृष्टि थी, इतने विधान कानून बनाकर इस राज्य के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए मेरा यही आपसे कहना है, यह हमारे लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में विचार होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, हर गंभीर मुद्दों पर बातचीत हो, लेकिन विधानसभा लोकसभा के अंदर व्यवधान न हो, गतिरोध न हो। इन विधानसभा और लोकसभा के मंदिरों से जनता की बहुत अपेक्षाएं रहती। आप जब चुनकर भेजते हैं, जनता जब चुनकर भेजती है, बड़ी अपेक्षाएं आकांक्षाओं के साथ भेजती है। इसलिए मेरा कर्तव्य निवेदन है, ऐसे पूर्वोत्तर राज्य की जितनी विधानसभाओं में गया हूं, हर विधानसभा के अंदर गतिरोध कम होता है, चर्चा संवाद होता है, हर विषय पर, हर मुद्दे पर जितना गहन चिंतन होगा, जितना गहन विचार विमर्श होगा, उतना ही बेहतर अमृत निकलेगा। और ये अमृत जनता के लिए, कल्याण के लिए। इसलिए ये सदन चर्चा संवाद के लिए होने चाहिए, कानून बनाने के लिए होने चाहिए। और हर कानून बनाते समय बहुत अच्छी डिबेट हो, लंबी डिबेट हो, चर्चा हो, क्योंकि माननीय जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े रहते हैं, उनके अनुभव, उनके विचार विधानसभा के माध्यम से सरकार तक पहुंचेंगे, कानून बनाते समय उनके विचार की अभिव्यक्ति होगी, तो बेहतर कानून बनाने का काम करेंगे। इसलिए जब नया विधानसभा है तो नए विचारों के साथ होना चाहिए, नए संकल्पों के साथ होना चाहिए, कम इतिहास बनाएं कि इस नए विधानसभा के अंदर गतिरोध न होगा, हर घंटे हर समय लोगों की चिंताएं, व्यथाएं, कठिनाइयां, उनके लिए काम होगा। इसीलिए साथियों, मेरा यह कहना है कि विधानसभाएं किस लिए होती है? विधानसभा होती है बजट से लेकर हर नीतियां, हर कार्यक्रम की समीक्षा के लिए। इन विधानसभाओं के माध्यम से आप सरकार में जवाबदेही तय कर सकते हैं, इन विधानसभा के माध्यम से सरकार में पारदर्शिता ला सकते हैं, इन विधानसभा के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति के विचारों को लाकर सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, इन विधानसभा के माध्यम से कानून बनाकर लोगों को अधिकार देने के साथ पारदर्शी शासन व्यवस्था को कर सकते हैं, इस विधानसभा के माध्यम से लोगों के कल्याण की जो नीतियां बने, कार्यक्रम बने, उसकी समीक्षा की जा सकती है, इस विधानसभा के माध्यम से बजट के अंदर जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उस बजट का नियोजन ठीक से हो, उस व्यक्ति के कल्याण के लिए हो, उसका विचार विमर्श किया जा सकता है। इसलिए विधानसभाओं का, इस लोकतंत्र का, मंदिरों का बहुत बड़ा लाभ समाज को मिल सकता है। हमारी जिम्मेदारी है, हमें जनता ने चुनकर भेजा है। मुझे आशा है कि जिस तरीके से आप यहाँ चुनकर आए और जो सपने लेकर आए हैं, इस विधानसभा के नवनिर्मित भवन से ये सपने पूरे होंगे और असम विधानसभा नए संकल्पों के साथ, नए विचारों के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ एक नया इतिहास लिखेगी और उत्तर पूर्व राज्य का एक गेटवे भारत के अंदर विकास की दृष्टि में एक समग्र दृष्टिकोण रखकर और समग्र विकास की ओर बढ़ेगा। यह सब आपके प्रयासों से होगा। मैं इस स्वर्णिम समय के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से आपके सपने आपके पूरे होंगे और जनता की आकांक्षाएं अपेक्षाएं इस विधानसभा से पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।